and welcome back to Grow with the J.A.N. family. I'm Anjali. I'm Natasha. And today we're going to be reacting to Why India is Great. This has been high on the request list, and we thought we would bring Natasha in on this one so she could learn a little bit more about India, since we took her to Soho, and we've been showing her these amazing trailers and songs and stuff. So this is a little bit more about India, how India is so awesome, which we already know, right, Anji? So... I hope you like it, and we're going to start it up. Check it out. हिंदुस्तान इंडिया आखिर ये देश महान क्यों है why is india great because by year 2022 we'll destroy china's population 1.4 billion or uneven social stratification ya hamara system political issues terrorism poverty inequality illiteracy right no nahi sari duniya ek parivar hai vasudhaiv kutumbakam ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है उसी का तो ये सारा किस्सा है हम उस देश के वासी हैं जहाँ अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है वो क्या है ना अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है हौसलों का नहीं और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हीमा दास पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं और ये तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया रंगों का देश जहां हर दिन एक त्यौहार है हमारी कला संस्कृति सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट जीरो नंबर सिस्टम नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य गायन वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोनॉमी लिटरेचर साइंस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है जहाँ जाति धर्म वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1,00,000 लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है ऐसा देश जहाँ 3,00,000 से अधिक मस्जिदें कुंभ मेला द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है जीसस की प्रेयर है वाहेगुरु की अरदास है रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है
the use of cell phones is strictly prohibited. और ठीक उसके बगल में लिखा होता है Paytm करो. As a matter of fact, India invented posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है. और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं. और साथ ही भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन. वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम. भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है. ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ. और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं. और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री. एंड वी हैव रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर. एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्यूजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब. दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है. और यहां सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है. और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है. द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर, लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप, एंड CEO ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पेप्सिको एंड मैनी मोर. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है. और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज 21st Century फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट. और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है. माइक्रोप्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है. स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाकी नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान. पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान. दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं, वो जवान, वो सैनिक है भारत. ऐसा देश जहां देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है, ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए. और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है. That's why India is great nation. और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है,
तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Angie knows that song. If you guys haven't seen it already. Yeah, I was going to say, it's playing in the background. Yeah. It had a lot of amazing information and facts. And yes. A lot of stuff. It said share with your colleagues. So Natasha is my friend from work, if you guys don't already know. If you haven't been on our channel before, she's done a few other videos with us. So we're sharing with our colleagues. But this is amazing. A lot of information about India in, what, 10 minutes? Mm-hmm. And in a nice way, like things to be proud of. And most of the stuff, I can't say I knew everything, but there's a lot of stuff that I did know from the last 3 months of doing these videos and learning so much about India. Anjali, I'm going to let you go first. What is your favorite part about this video? Probably my favorite part was back, farther back. There was people on bicycles who would take the rockets, parts and transport it from like here to like all the way over there. Wherever they were maybe launching them. Yeah. So they would make them in one building and then they would in pieces bicycle them to the launch pad, I'm assuming, so that they could send them off. I mean, that's just dedication right there. Yeah. We saw the Chandrayaan, we were watching when Chandrayaan was getting ready to land on the south side of the moon, and then there was some connection loss. And I know they found the rover, and there's still some stuff going on, but it's just really exciting. So many great things have come out like of this. Like the number zero. Like the number zero, because I didn't know you wouldn't have had a computer if you didn't have those numbers. The computers wouldn't work. So what did you like about this, Natasha, since this is kind of a little different than what we've showed you before, more movies and more of the cultural stuff? This is a little bit history and background. I didn't really know about the things with, like, the Google and the Microsoft like, the people who created it. And it just, it's amazing that how many people have, like, created it. And then also, like, all the scenery. Just, like, just, it's beautiful there. It's beautiful. Yeah. And it's interesting how rich and old that culture is. And yet, like you said, like, there's a lot of stuff that math and architecture, we've done some temple videos where the part of one of the pillars is off the ground. And so somebody tried to figure out what the trick was and they kind of messed it up and then the roof got slanted. Oh, no. And so it's one of those things like their science and engineering were so advanced, you know, even way back when. And now, you know, the Google CEO is an Indian. There's so many big companies, big people that are Indians. A lot of the doctors here in the U.S., are Indian, you know, so smart, and lots of good things. I liked, because, you know, like, you see the beautiful scenery, you see the, like, the elephant with the paints on it, talk about the festival. So we did Ganesh Chaturthi, and we just sent him back, so we just did that video as well, and so, but we've also done Chandrayaan, and, you know, it's nice, diversity. This is our thing about India that we love. Is the diversity. Lots of different religions, lots of different people from everywhere. And pretty much their motto is if you come in peace, we welcome you with open arms and you know, you'll be a friend. And and that's just something that I love about India. And this video kind of does a nice little bit of everything. All right. If you like this video, don't forget to click that like button down below, because the more you like, the more you share, the more we the more YouTube shares our videos. And don't forget to subscribe and join our wonderful family. And we'll see you tomorrow. Bye.